सो गाइस, तो मैं निकल पड़ा हूँ नवापुर को। तो ये ट्रैवल वीडियो नहीं होने वाले गाइस, ये व्लॉग होने वाला है। तो आपको दिखाऊंगा मैं बहुत सारे नवापुर के अंदर जाके दिखाऊंगा सब कुछ अलग अलग। मतलब मैं लेके ही नहीं गया नवापुर के अंदर के, खाया ही नहीं है मैंने कभी। तो इस बार आपको खमन ढोकला भी दिखाऊंगा, मेरा तो फेवरेट है। आपका भी क्या फेवरेट है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ नवापुर को। तो अभी मैं अभी बाजार में जा रहा हूँ, तो अंदर जाके दिखाऊंगा बाजार के क्या क्या होता है। और मैं ज़्यादातर फूड्स तो दिखाने की कोशिश करूँगा, मतलब टेस्टी फूड होते हैं नवापुर के। तो आवाज़ आ रहा है, इसको ज़रा इग्नोर कर देगा क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। तो समझ लो गाइस ज़रा। तो आगे बढ़ते हैं, चल माफ। तो नागपुर का बाज़ार ऐसे भरा हुआ होता है, देखा नहीं? ये बाज़ार है, शनिवार को भरता है ये बाज़ार। और गाइस सर, अंदर जाके और मैं दिखाने वाला हूँ। तो बढ़ते फिर, तो गाइस सर मैं अंदर गया था बाज़ार में, बट गाइस सर बहुत गर्दी थी इसलिए वीडियो बनाने के लिए, मतलब गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे इसलिए नहीं बना पाया वीडियो में। पर मैंने दिखा दिया बाहर से, तो एक दिन आएंगे और तब दिखा दूँगा। अभी मुझे टाइम मिलता है आने के लिए तो आएंगे, नहीं तो फिर घर जाएंगे। गाइस सर, मुझे लगा मैं नहीं आ पाऊँगा, पर बट आ गया फिर से। तो बाज़ार में तो फिर से बाज़ार में आ चुका। तो मैंने सुबह तो खाया था, बट अभी मतलब काम ही चालू था इसलिए कुछ खाया नहीं था। तो अभी खाने निकले, अभी ढूंढ रहे बिरयानी मिलती है या नहीं, हमें देखते हैं। नवापुर के बाहर आ चुका हूँ मैं गाइस। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ एंड पीस आउट।